एंड सी एफ आर टू मीडियम ऑफ ट्राइंगल एबीस एंड जी इज द सेंट्रोइड ई एफ कट। हाँ ये बहुत कुछ, बहुत बढ़िया, बड़ा डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है। हाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है यार ये चीजें, ऐसा है ठीक है। अच्छा अब आप एक बात तो जानते हो कि यार ये रेशियो 2:1 होता है, ये सब पता है ना। अच्छा क्योंकि ये मीडियन है तो ये हाफ होगा, तो ये रेशियो कितना हो गया 1:2। बस मेरा ये काम की चीज है। तो मान लेता तो पूरी लेंथ 6 मान ली मैंने, जनरल करने के लिए 6 से मानी 3 से डिवाइड हो रहा है, तो अगर ये 6 है तो ये हिस्सा कितना होगा 6 के हिसाब से, तो ये कितना हो गया 4, ये हो गया बिकॉज ऑफ 2:1, और इसी हिसाब से ये हो गया 3 यहां से यहां तक, तो ये कितना हो जाएगा इतना हिस्सा 1, क्योंकि ये 4 है ना पूरा यहां से तक। अब ये 1:3, इन दोनों में रेशियो 1:3 होता है, इनमें 2, और उस हिसाब से ये 3 और ये कितना बचेगा 2, तो 1:3:2 का रेशियो हो गया, 6 हो गया पूरा टोटल। तो ये रूल ध्यान रखना ना, तो यहां पर 1:3, और यही एरिया में भी रेशियो हो जाएगा, ध्यान रखना एरिया में भी यही रेशियो होता है। एक क्वेश्चन अगर ऐसा आता और ये आया हुआ एसएससी में, व्हाट इज द एरिया रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दिस इज टू टोटल, तो हाँ एरिया डबल हो जाएगा, हाफ हाफ करते ना वहां पर, क्योंकि एरिया में बेस भी आएगा ना, ये बेस भी आएगा, बेस डबल है ना। और अगर बोलता सुनो आप सुनो, एक सेकंड एक सेकंड, हाँ बता रहा हूं, एक्चुअली होगा अगर आपसे पूछता व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दिस टू दिस, बताओ क्या होगा ना, 1:4 होगा। क्यों होगा, देखो यहां पर ये 2x है साइड, तो ये x होगी, मिड पॉइंट है ना। अब एरिया ऑफ दिस पार्ट ये था मेरे पास पी क्यू, और ये मैंने मान लिया जी और ये ओ। अच्छा ये तो मैं बता रहा हूं 1:3:2, ये समझ आया सबको। अब देखो एरिया ऑफ पूछेगा पी क्यू जी अपॉन एरिया ऑफ ए जी बी। सुनो एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट होती है ना, हाफ बेस, बेस हो गया पी क्यू और हाइट होगी इसकी 1 वाली पार्ट, भाई एच मान लो ये 2h हो जाएगी, तो एच अपॉन नीचे हाफ ए बी अपॉन इंटू 2h, हाफ कट गया। अच्छा ए बी कितना है 2x और ये x है, तो ये x और 2x हो जाएगा, पर x x कट गया तो 1/4 बेस भी आएगा ना वहां पर। अच्छा क्वेश्चन अगर ऐसा पूछता, अच्छा व्हाट इज द रेशियो, देखते कि इसका रेशियो और इसका रेशियो, ना 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 ना, ना। 1:3 होगा क्योंकि दोनों का बेस समान है इस बार, नहीं समझे बात। अब बेस तो इक्वल है ना, अब तो बस हाइट का रेशियो आ जाएगा 3:1 या 1:2 जो पूछा गया, समझे। अच्छा एक क्वेश्चन देखते कौन उठा पाता है इसका आंसर, हार्ड नहीं है, बहुत आसान सी बात। व्हाट इज द रेशियो ऑफ दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल, सेम होगा बिटवीन सेम पैरेलल लाइन और बेस सेम है, तो एरिया के रेशियो क्वेश्चन बहुत बन सकते हैं। चलो आगे बढ़े।